हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आज बहुत सुहाना सा मौसम हो रखा है। एक बार तो हल्की सी बारिश हुई और मनीष बोल रहा है वहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हुई जहाँ मनीष स्कूल जाता है। तो अभी मनीष आया, अभी खाना खाएगा, लेकिन इतनी ज़ोरदार घटा छा रखी, इतनी ज़ोरदार। अगर बारिश शुरू हो गई तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। इतनी ज़्यादा बारिश भी ना हो तो ऊपर से मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, फिर मनीष को खाना देते हैं। वो अभी चेंज कर रहा है, थोड़ी सी देर रेस्ट करता है, उसके बाद खाना खाता है। वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत सुहाना सा मौसम हो गया है। देखिए किस तरह से गट्ठा छा रखी है, चारों तरफ काली गनगौर गट्ठा छा रखी है और आंधी भी शुरू हो गई है। और ये ऊपर आई गाय जी, हाल हो जाता है आंधी आने पर तो सब कुछ टूट जाता है। और नई डिश लग गई है, वो डिश आंधी में उड़ गई थी तो ये नई आ गई है। टॉफी खा लो, ये लो आप खा लो, ये लीजिए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए कैंडी, ये गाइस के लिए। अब की बार इनका स्कूल चेंज हो गया दोनों का, मनीष अलग स्कूल पे चला गया और ये जल्दी आ जाते, इसने खाना खा भी लिया, चेंज भी कर लिया। मनीष अभी आया, पतिदेव जी लेके आए उसको, बोलता है नहीं लेके आना मेरे को, लेकिन मौसम खराब हो रखा था। वाह, वेरी 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 सुहाना मौसम। बारिश शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदे आ रही है, तो चलती है नीचे, चलती है। मैंने कल बाल धोए थे रात को, तो अभी तक कंघी नहीं हुए, मम्मी करेंगे अभी कंघी, बाल ऑयल लगाएंगे और कंघी करेंगे। फिर मैंने इसको खाना दे दूँ, बारिश शुरू हो गई है। तंदूरी वगैरह मैंने कवर कर दिया, चूल्हा कवर कर दिया, पहले एक बार बारिश शुरू हुई लेकिन अभी और आदमी बड़ा कर दिया, इसी सा तोड़ दिया। क्या बना रहे हो भाई, क्या बना रहे हो? नाली बंद हो गई है, कौन आग में पानी से बचेगा? मैं सर्दी जाएगी मैं सर्दी ला जाएगी। और है कि तो मैं आ ला रही भाई, बहुत बरसात है भाई, बहुत बरसात है। पारक आ रहे हो, बड़े हो जाएगा गाँव में। कौन चलन कॉल आ रहे हो के? माँ मान देव चले में बड़े ला जाएगा बुढ़ी गाय। और ठंड में क्यों खड़े रह जाए ना, जा मन पड़ो लगा आपने। ट्रैक्टर ना ले गो बढ़िया, एकदम साफ निकल गया। तो मैं आने ला रहा नहीं, फुल तकड़ो में है। मेंढक आ गया पानी देख किस तरह से कर रहा है, अभी बारिश होती होगी। तो दोस्तों बहुत ज़ोरदार बारिश है और पूरी बारिश में मुझे भीगना पड़ा, पूरे काम समेटने पे, और अभी पानी रुक गया है यहाँ पे, मेंढक इसके अंदर आ गया था तो वो निकल नहीं रहा, पानी वहाँ से बंद हो गया, मेंढक वहाँ चला गया। अभी तो यहाँ देखिए कितना सारा पानी, पाइप और लंबी होती तो अंदर तक फेर देते, लेकिन छोटी है तो सही से नहीं निकल पाया पानी पूरा। कर वहाँ देखिए पानी, नाली का पानी बाहर निकलने लगा, गंदा पानी, पूरा पानी पानी भर गया, गली में भी खूब सारा पानी। तो इसको अंदर बांध दिया मैंने, ठंड लगती है इसको,
तो दोस्तों बारिश के बाद मैं नहा ली हूँ। बारिश अभी भी हो रही है बहुत तेज और बाल भी मुझे दोबारा से धुलने पड़े। गणपति देव जी भी भीग गए पूरे, ये देखिए टावल पूरा पानी निचोड़ के लेके आए अभी। दोस्तों बारिश में पूरी मैं भीग गई, इसके बाद मैं नहा ली हूँ और बाल भी मैंने धुल लिए हैं, पूरे बाल गिले अभी मेरे। और बारिश अभी भी शुरू हो रही है, चल रही है, शुरू नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश। और पतिदेव जी भी बाहर है, देवर जी भी बाहर है और टावल देखे किस तरह से पानी निचोड़ रहा। पतिदेव जी ने ओढ़ रखा था और ये देखिए बंदर भाग गया, नहीं नहा रहा है। और वो देखिए दोनों भाई भीग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों सो रहे हैं। पतिदेव जी गंदा पानी निकाल रहे हैं, मिट्टी मिट्टी निकाल रहे हैं। मैंने एक बार पूरी झाड़ू से साफ कर दिया मिट्टी। बारिश होते ही यहाँ पे चाय बनने लगी है और मनीष ने भी खाना खाया है, वो आया था 2:30 बजे के करीब और अभी 3:30 हो रहे हैं। कुछ देर रेस्ट करता है उसके बाद खाना खाता है। तो बारिश में चाय, अभी अंदर चलते हैं, भीग रही हूँ दोबारा। मैंने वहाँ पे दूध रख लिया था और उसको इस तरह से कवर कर दिया वरना आग जलती नहीं, बुझ जाती पूरी। दोस्तों अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और बारिश के बाद में इतना बुरा हाल हो जाता है, सब तरफ कीचड़ और पशुओं को चारा डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई मैंने पानी पिला दिया, चारा डाल दिया और बंटा यहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया दोनों के लिए। दूध गर्म हो रहा है, पहले ही मैंने रख दिया था कवर करके। और आंगन की झाड़ू मैंने लगा ली है दोबारा से, लाइट नहीं है वरना मैं धो देती एक बार, मिट्टी निकल जाती, लेकिन अभी लाइट गायब है, इन्वर्टर पे नहीं चलाए हैं। और मेरे बाल गिले हैं, बारिश में भीग गए थे, मैंने धुल लिए है दोबारा से। ट्रैक्टर भी अच्छे से नहा लिया और पशुओं को चारा डाल दिया, गोबर मैंने बटल में डाल दिया, पहले तो मैंने डाल दिया था कुंडी पे, अभी दोबारा से जो गोबर हुआ है वो इकट्ठा कर दिया है और पानी भी पिला दिया है। बर्तन वगैरह साफ हो गया, 5 बज गए, मेरे काम एक बार कंप्लीट हो गया है। लेकिन बारिश के बाद काम संभालना मुश्किल हो जाता है, तो खाना वाना भी जल्दी बनाना होगा वरना कीड़े आते हैं, फिड़कली जो होते हैं वो आने लगते हैं बारिश के बाद, बहुत बुरा हाल होता है गाँव में। तो जल्दी से सारा काम खत्म करते हैं। सब्जी आज कोई घर पर है नहीं, पतिदेव जी को बोलते वो लेके आते हैं।